तो म्यूज़िक का जर्नी एक्चुअली में काफ़ी हार्ड है एज अ म्यूज़िशियन का लाइफ और इस जर्नी में एज अ फेलो म्यूजिशियन मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं बाकियों की मतलब सिंपली अपने बातों से अपने एक्सपीरियंसेस से जितनी हेल्प कर पाऊँ थोड़ी बहुत वो करता चलूँ एंड इन मेरा भी गुजारा इसी से चलता है तो मुझे भी कुछ ना कुछ फिगर आउट करना ही पड़ेगा इसमें कि कैसे मॉनिटाइज़ करना है कैसे पैसा कमाना है इसी चीज़ के थ्रू ताकि मैं म्यूज़िक करते हुए ही आगे बढ़ता रहूँ इस वीडियो में कुछ बहुत ही क्रूशियल बातें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जो मुझे एक्चुअली में समझने में बहुत वक्त लग गया और ये एक पुराने सेशन में किसी स्टूडेंट के साथ में आफ्टर द क्लास ऐसे डिस्कशन करते हुए बातें निकली और अक्सर अगर मैं इसको बहुत सोच के अगर ऐसे बनाने निकलता तो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि कुछ चीज़ें फ्री फ्लो ही निकल पाती हैं उसके लिए माहौल भी चाहिए होता है कैमरे के सामने ऐसा बात करना थोड़ा मुश्किल तो है ही तो आज हम बात करेंगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका जो म्यूज़िक पे आप पैसा लगाओगे बनाने में या बाकी जो भी सारी चीज़ें हैं उसमें पैसा वापस निकालने के क्या क्या तरीक़े क्या क्या रास्ते हो सकते हैं ओरिजिनल सॉन्ग से कैसे रेवेन्यू कमा सकते हैं सिंक लाइसेंस वगैरह जो चीज़ें हो क्या होती हैं आपका फेस वैल्यू जो है वो आपका म्यूजिक को कितना और कैसे इम्पैक्ट करता है एंड इंडीट अगर आप वाकई में आपने ठान लिया है म्यूजिक में रहने का तो रास्ते खुल जाते हैं मैनेजमेंट के बारे में प्रमोशन के बारे में अगर आप में आग है तो उसको आगे लेके जाने के बारे में इंडीट ये वीडियो लंबी तो होने वाली है क्योंकि हमें बहुत बहुत जरूरी मुद्दों पर आज बात करनी है बट मेरा ये वादा है कि इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स आपने नजरअंदाज कर दी होगी तो आराम से तसल्ली से थोड़ा सा समय लगाओ वीडियो पसंद आए तो बाकी फैलो के साथ कर दो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो लाइक वाला बटन भी दबा दो और सारी बातें सुनने के बाद मुझे कॉमेंट्स में बताओ की आपको क्या लगता है हिट होने के कुछ तरीके और हिट होने से पहले अपने बेसिक्स जो क्या स्ट्रॉन्ग कर लेने चाहिए उसके बारे में बात करें जैसे म्यूजिक बनाना ही इकलौता काम नहीं बाकी और स्किल्स भी डेवलप करनी जरूरी है उसके बारे में बात करेंगे बहुत सारे प्रोमिनेंट आर्टिस्ट का स्टूडियो में नामकरण हुआ है उसके बारे में बात करेंगे अपना वॉइस टेक्स टेक्सचर को डेवलप करने का स्कप्ट करने का इस मुद्दे पे बात करेंगे सेक्रीफाइसेस के बारे में बात करेंगे मोटिवेटेड रहने के बारे में बात करेंगे फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा सा दूर रखने के तरीकों के बारे में बात करेंगे जर्नी तो लंबी है बहुत सी बातें जो मुझे भी 25 साल म्यूजिक करने के बाद पता चली उसके बारे में बात करेंगे और उसके मैं जो प्रोसेस में हूँ उसमें क्या हिंड्रेंसेस है और मैं क्या चीजें सोच रहा हूँ कैसे रास्ते निकाल रहा हूं उसके बारे में भी बात करेंगे पहले तो खुद की दिक्कतों को पहचानना है फिर उसके ऊपर मैं काम करना है ऑल्सो ये भी बात करेंगे कि अगर आप प्रोफेशनली म्यूजिक नहीं कर रहे म्यूजिशियन नहीं हो फिर भी क्यों आपको अच्छे गाने कुछ तो बना के जाने चाहिए तो चलिए अपने सेशन की रिकॉर्डिंग में से क्लिप्स को काट जोड़ के जो शेयर करने लायक है वो मैं आपको सुनाता हूँ बट दूसरी जो चीज़ है जो अगर हम उस रूट पे जाएंगे कि किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर वगैरह तो वो तो चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएंगी ना क्योंकि हम लाइक एट माई पॉइंट इट विल कॉस्ट मनी राइट एंड नो रिटर्न इज गो ना कम राइट वो तो अभी इनिशियली ऐसा है ना कि नो रिटर्न इज गोना कम बट वंस यू हैव मान लो कि जैसे आपकी सिंगिंग है आपका वॉइस और वो सारा चीज है और and, uh, आप इस चीज़ को डेवलप कर लेते हो ये वाले स्किल को एंड देन यू कैन हैव अ यूट्यूब चैनल दूसरा जो टाइम एंड एन एनर्जी एक कवर सॉन्ग को बनाने में लगता है वही टाइम एंड एनर्जी एक ओरिजिनल सॉन्ग को बनाने में लगता है सो वंस यू डू सम ओरिजिनल सॉन्ग्स एंड ऑब्वियसली रिलीज इट आपका आर्टिस्ट प्रोफाइल आपने बिल्ड कर लिया स्पॉटीफाई ऑटिफाई Spotify, Spotify से लेकर हर जगह से जो भी आपका थोड़ा बहुत लॉयल फैन बेस आपने क्रिएट करना शुरू किया वो किया और उसके बाद में यू कैन डू लाइक शोज एंड स्टाफ ना वो अपने गाने को लेकर गिक कर सकते हो सारी चीजें कर सकते हो एंड बेसिकली पीपल नो यू फॉर योर सॉन्ग्स वो गानों को आप uh, जो आपका ओरिजिनल सॉन्ग्स है वो गानों को आप एज एन लाइक सिंक लाइसेंस के लिए दे सकते हो है ना फरसे आप ये जैसा ये गाना है अभी तो एक अवर है तो ये आपसे कोई खरीदेगा थोड़ी बट यही लिरिक्स अगर आपका होता या आपने किसी और से ले लिया होता लिरिक्स और खुद कंपोज करके या कंपोज करवा के फिर म्यूजिक करके और वो करते तो आपने इनिशियली तो स्पेंड किया है उस पर अपना टाइम एनर्जी थोड़ा पैसा बट वो कंटेंट तो आपका हो गया ना वो कंटेंट तो आप कितने का भी बेच रहे हो किसी को उसका तो कोई बैरियर नहीं है नाउ द थिंग इज आपका फेस वैल्यू कितना है उस उस पर हो कॉन्टेंट का वैल्यू कितना है हार गाना कोच द गाय कि ऐसे नहीं ऐसे कर वैसे नहीं वैसे कर ये इधर वो कर इसको ऐसे डालते हैं आई एम सिट विद द गायफ और लिरिक्स पे भी दिमाग लगाने बैठ जाऊँगा उसके साथ में कॉम्पोजिशन उसको गवाने भी बैठ जाऊँगा सारा सब कुछ करने बैठ जाऊँगा अगर बजट ज़्यादा होता तो मैं बोलता कि ऐसा ऐसा है थोड़ा सा डामी सा मैं बनाता ट्रैक करवा लेता फिर मेरा मेरे साथ का जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर है वो म्यूज़िक प्रोड्यूस करता फिर वो फाइनल डबिंग वैसे होता फिर मेरा मिक्सिंग इंजीनियर मिक्स करता मेरा तो ओवरऑल टाइम भी कम लगा दिमाग भी कम खराब हुआ एंड आई जस्ट हैव टू गाइड दिस पीपल जो मेरे साथ अंडर काम कर रहे हैं कि बाबा ऐसे नहीं ऐसे कर दे और इसको एंड अल्टीमेट जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो भी थोड़ा यूनिक निकल के आता है उसमें क्योंकि यू आर नॉट द ओनली वन हु इज वर्किंग अब मेरे साथ में चार म्यूजिक प्रोड्यूसर है अलग अलग ये चारों के साथ में मैं अलग अलग सेशंस में अगर कोलाबरेट करता हूँ तो चारों के चारों प्रोजेक्ट्स थोड़ा यूनिक बनता है नीड नॉट वरी अबाउट दिस थिंग कि आपका ये कमर्शियली आप इससे कुछ कमा नहीं पाओगे आप कुछ पाओ कर नहीं पाओगे कर पाओगे रास्ते तो खुल जाते हैं ना उसके बाद राइट नो बेसिकली मैं उस हिसाब से भी पूछ रहा था बिकॉज लाइक टू इवन टू सिंग फॉर फुलफिलमेंट बट इफ 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 टू कंप्लीट दैट इट नीड्स एक्स्ट्रा स्टेप गोइंग टू म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड ऑल दैट सो इवन एट दिस पॉइंट हाँ मतलब अभी, that, अभी आप एंजॉयमेंट yes. के हिसाब से बनाओ उसको स्किल को एकदम पूरा टाइट कर लो एंड दे मतलब आप इसको फिर कमर्शियल इस तरीके से सोच के देखो इवन आप तो ठीक ठाक ट्रेनिंग आपने करी है वोकल की आपने इस पे थोड़ा मेहनत कर रखा है इफ यू लुक एट लाइको एंड ऐसे आर्टिस्ट को वो तो बेचारा गा भी नहीं सकता एक लाइन सुर में अब ही कैनोट राइट प्रॉपर उतना अच्छे से तो उसने एक बंदे को अपने साथ में रखा वो बंदा उसके लिए मेजरली लि लिखता था वो करता था साथ में म्यूजिक प्रोड्यूसर वो करके म्यूजिक वो हुआ एंड देन फिर आर्टिस्ट uh, मैनेजर से लेके ये वो सारा सब कुछ प्रोमोशन में इतना पैसा खर्चा किया <laughs> आपने गाने yeah. को और वो करके फेस yeah. वैल्यू yeah. yeah. अपना बिल्ड yeah. किया अभी पूरा वर्ल्ड yeah. टूर कर रहा है आदमी wow. है ना Achcha. तो एनी वन हुज अर्ज टू डू इट एंड हैज लिटिल बिट ऑफ कैश और मतलब बहुत ज्यादा आग साथ में थोड़ा सा कैश और बहुत ज्यादा आग कैन डू इट देखो मार्केटिंग वार्केटिंग ये वो सब कुछ है बट पहला काम ही एक्चुअली में आपका म्यूजिक अच्छा होना चाहिए है ना और आपको ये जो प्रोसेस है ये आपका प्रोसेस स्मूद हो जाना चाहिए बिकॉज पांच गाने आपने बनाए रिलीज करें मार्केटिंग करी सब कुछ किया सारा सेट कर लिया उसके बाद आपके पास में टाइम नहीं है सांस लेने का मान लो कि आपने ये टारगेट किया कि आई नीड टू हैव लाइक एट टू टेन ट्रैक्स ऑफ माई ओन और उसके बाद में हम गाना स्टार्ट विद दिस मार्केटिंग प्रोसेस की वीडियो बनाने से लेके ये अलग अलग चीजें कैसे करना है सारा सब कुछ फिर वो मैनेजमेंट सब कुछ सारा सब कुछ है उसके बाद में ना आपके पास में टाइम नहीं होगा मतलब आपका प्रोसेस उससे पहले स्मूथ हो रहा हो जाना चाहिए कि आपको पता है कि यू you नो know, मैं बाकी सब कुछ कर रहा हूँ उसके साथ में कैसे मैं फटाक से अपना डेमो रिकॉर्ड करके प्रोड्यूसर के पास में भेज दूँ जैसे डेमो आ जाए तो मैं अपना कम्फर्टेबल कोई भी टाइम में जब मेरा गला भी ठीक है और कुछ भी वो है माइंड भी माइंड में भी शांति है और जैसे जैसे मैं फटाक से अपने बाकी पार्ट्स रिकॉर्ड रिकॉर्ड करके इंजीनियर के पास भेज दूं और मेरा काम जो प्रोडक्ट जो है बन के आ जाए भेज दूं या खुद कर लूं बहुत से सिंगर्स हैं वो कैन मिक्स देयर ओन म्यूजिक एज वेल है ना और आज के टाइम में विथ वो बट ये भी बात है ना कि जरूरी नहीं है कि सारे काम आप खुद करो क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आपको अगर ग्रो करना है तो उसके पीछे बहुत सारा और खेल है Sim. खाली yeah. म्यूजिक बनाना ही एक काम नहीं है <laughs> एक तरीके से yeah. देखा तो वो लेबर जॉब है मार्केटिंग <laughs> ना मतलब, मतलब मतलब आपका फेस वैल्यू बनेगा कैसे खाली आपका म्यूजिक से नहीं बनेगा भाई कितना भी मेरे को ये टेक्निकल चीजें आता हो इस, इसका कोई वो नहीं है hmm. ना असली जो खेल है वो है कि आपने उसका किया क्या है अल्टीमेटली अभी मेरे साथ में इतने सारे प्रोड्यूसर्स हैं मतलब इतने सारे आर्टिस्ट हैं जिनको मैंने प्रोड्यूस किया है वो किया है वो या जिनका शुरुआत भी नामकरण भी इसमें हुआ है उन लोग का पिक्चरों में गाना आ रहा है oh ठीक है ना सो so, ऐसा थोड़ी कि उनको प्रोडक्शन आता है सारा सब कुछ आता है बेसिक चीज़ें वो सीख गए मेरे साथ काम करते करते करवाते करवाते वो करके सारा सेट हो गया बट उसके बाद उनका जो असली जो मेहनत हुआ वो हुआ कि मैनेजमेंट से लेके ये वो करके नेटवर्क बनाने से लेके और ये सब चीज़ों में बट अगर उस टाइम पे वो खाली खाली पूरा का पूरा टेक्निकली मैं कि जितना स्ट्रांग हूँ उतना स्ट्रांग होने में वो पूरा टाइम एंड एनर्जी लगा देते है ना तो आज अक्षय कुमार के पिक्चर में उसका गाना नहीं आ रहा होता oh yeah. है ना सो दैट्स अ थिंग मतलब कि yeah. अलग, अलग अलग रास्ते हैं अलग अलग एंड एट द सेम टाइम अच्छा वो बंदा है वो सिंगर है मतलब उसको सिंगिंग करनी थी वो अच्छा लिखता था वो उसके या सब बहुत सारे हैं ऐसे सिंगर सॉन्ग राइटर्स जिनके साथ मैं वो कर रहा हूँ तो उनका मेन पोर्टफोलियो वो है उनको उसमें मज़ा आता है वो आता है मेरा तो वॉइस था भी नहीं पहले मेरा तो वॉइस अभी ग्रेजुअली डेवलप होना शुरू एंड आई हैव स्टार्टेड पुटिंग इन सम टाइम एंड एफर्ट इट और इसी के लिए मैं बल्कि बाकी सारी चीज़ें छोड़ी हैं मैंने उसको थोड़ा बैक स्टेप डाल के मैंने ये वाला जो प्रोसेस है ये इसीलिए शुरू किया बिकॉज ये मेरे को कॉन्स्टेंटली एक्चुअली मैं गाना बनाने की दुनिया में रखने में हेल्प करता है अपनी सस्टेनेबिलिटी देखते हुए साथ में साथ में अपने आप को ग्रो कर पाऊँ है ना बिल्कुल इफ़ यू जस्ट इवन um, गा तो मैं बहुत टाइम से ही रहा हूँ ये सब चीज़ें बट जैसे अगर आप एडवर्टीजमेंट्स के लिए गाते हो खाली जिंगल्स विंगल्स जिंगल और ये सब के लिए तो आपका सिंगिंग नहीं डेवलप होता बिकॉज एक स्पेसिफिक टाइप का चीज़ है जो आपको करना है फिर वो कभी बोलेगा ब्रांडेडम जैसी आवाज में कुछ कर दे कभी बोलेगा कैलाश खैर जैसी आवाज़ में कुछ कर दे तो आपका वॉइस आइडेंटिटी डेवलप ही नहीं हो पाता वो दिमाग में ही बात नहीं डेवलप हो पाता कि वॉइस आइडेंटिटी डेवलप करनी है है ना वॉइस को वो, वो करना है यूनिकनेस ऑफ द वॉइस है ना उसको आपको अपना वॉइस को आउट कर करके करके काट काट के ऐसा टाइप का साउंड बनाना है विच इज डिजायरेबल लाइकेबल है ना थोड़ा तो ये सब बात रिया, नहीं आतीज रियाज, 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 है ना रियाज एंड रियाज एक तो हुआ कि आ, ऐसा जो हारमोनियम पे आप रियाज करते हो करते हो एंड देन देर इज लाइक टेक्निक्स ऑफ कटिंग द वॉइस कितना प्रेशर से होगा कितना कैसे होगा और मेरा गाने का स्टाइल कैसा होगा कि एक स्पेसिफिक टाइप का टोन आता है विच इज़ वेरी यूनिक टू मी और विच इज़ वेरी लाइकेबल इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं डेवलप करने के लिए इसका टाइम लगता है अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है ये जो बात तो मैं आज आपको बता रहा हूँ ना ये तो मुझे ही नहीं पता थी है ना तो वंस आई गेट थ्रू कि हाँ मेरा भी वो डेवलप हो गया है आई हैव मेड अ फ्यू गुड सॉन्ग्स ऑफ माइंड ज्यादातर म्यूजिक तो मैंने दूसरों के लिए बनाया आपने तो बनाया नहीं है म्यूजिक इतना है ना एंड जितने भी मैंने गाने बनाए सारे गाने तो ऐसा नहीं है कि तुर्रम खा गाने तो मेरे को तो तुर्रम खा गाने बनाने तो वन साहब अ बैंक ऑफ टुड्रम खाने और थोड़ा सा वो चल गया है और वो हो गया तो देन आई कैन फोकस ऑन कि हाँ भाई आप ये वॉइस को लेकर के कुछ वो कर सकते हैं जो स्टेप मैं आपको कह रहा था ठीक है पर पहला तो स्टेप ही यहाँ पे है कि यार आपको ये जो बेसिक चीजें हैं उसको सेट करना है अब मेरा ये टेक्निकल वाला मसला सॉर्टेड है ये नहीं है कि अगर इवन इफ आई मैन प्रेशर है ना तो पर उस समय ऑब्वियसली थोड़ी टीम भी हो गया एंड इवन अब तो मैं बहुत तेजी से गाने लिख भी देता हूँ अच्छा, oh. किस आर्टिस्ट के साथ में बैठा कौन मेरे इर्द गिर्द में चार पांच कौन से बंदे बैठे हैं, उनकी शक्ल देख के मैं उनके स्टाइल का ही लिख देता हूँ <laughs> <laughs> दे। जैसा <laughs> है मतलब जैसा वो चल रहा है उसकी एनर्जी के हिसाब से है ना जवाब करके ऐसे प्रोडक्शन तो ये वाला आ, तो एंड मेरा शॉर्ट है इफ इज अ लॉट ऑफ प्रेशर कि गीक्स चल रहे हैं बाकी सारी चीजें हो रही है वो हो रहा है तो देन एज वेल मैं बड़ी आसानी से आगे के गाने प्रोड्यूस कर सकता हूँ वोंट बी दैट मॉज चैलेंजिंग फॉर मी मेरे लिए चैलेंजिंग है मेरे वोकल का ओवर एक्टिंग uh, हाँ तो textures, मैं जब गाता हूँ मैं जब गाता हूं मुझे अक्सर समझ नहीं आता है कि उसमें जो मैंने फीलिंग डाली है ना वो ठीक डाली है कि उसमें ओवर एक्टिंग करती है और अक्सर मैं ओवर <laughs> एक्टिंग कर देता हूं गानों oh, okay, okay. वोकली ना एंड uh, वो मेरे को बहुत टाइम बाद पता चलता है, mm -hmm. है ना उस समय तो कोई सेंसिबल बंदा अगर हो जो उसी समय मेरे को सुन रहा हो और वो कर रहा हो तो वो मेरे को गाइड कर सकते नहीं बाबा ये ठीक है जैसे मेरे पास कोई सिंगर आता है तो मैं उसको प्रॉपर गाइड कर लेता हूँ ना कि ये ठीक लग रहा है गंदा लग रहा है इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दे वो कर दे बट खुद को नहीं कर पाते ना आप वो चीज़ बिल्कुल बिल्कुल यू नीड अ क्रिटिक क्रिटिक ऑनेस्ट चीज़िंग तो खुद को नहीं समझा पाते कि ये है एंड एट द सेम टाइम इवन बहुत सारे जो आर्टिस्ट मेरे पास आते हैं वो अच्छे आर्टिस्ट हैं अच्छे सिंगर्स हैं बट उनके पास में ये डायरेक्शनल वाला स्किल नहीं है जो इमीडिएटली जो फीडबैक मैं उनको दे सकता हूँ वो फीडबैक इमीडिएटली वो मेरे को नहीं दे पाते आई सी बिल्कुल है ना yeah. तो गुड ऑब्जर्वेशन है ना नाइस नाइस ऑब्जर्वेशन स्किल्स वाले बंदे आस्था सो टिपिकली so, uh, होना तो ये चाहिए कि व्हेन आई डू माय मतलब अपने गाने देन आई शुड बी वर्किंग विथ सम अदर म्यूजिक डायरेक्टर टिपिकली ये होना चाहिए नॉट नॉट विथ एनी अदर क्या कहते हैं वो सिंगर uh, या ये वो उसके साथ में उनके साथ में बैठ के उसके करने की जगह पे अपना प्रोजेक्ट लेकर के एंड डिस्कस विथ इट विथ सम म्यूजिक डायरेक्टर हु इज बहुत ही एकदम अच्छा तरीके से स्किल्ड है और वो है उसको वो सेंस है उसको समझ में आता है कि आ, आर्टिस्ट से उसका वॉइस ऐसा है उसके हिसाब से क्या गवाना चाहिए कैसा वो होना चाहिए एंड देन वो म्यूज़िक व्यूजिक प्रोड्यूस कर भले मैं म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहा हूँ क्यों मैं म्यूज़िक प्रोड्यूस करते वक्त मैं ये भी नहीं सोचता कि मेरा गाना है किसका गाना है मैं क्या कर रहा हूँ कर वो तो मेरे दिमाग में रहता है बट टिपिकली वो जो म्यूज़िक uh, डायरेक्टर है या वोकल अरेंजर है वो मेरे से गवाए अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग एंड द वाइब ऑफ द सॉन्ग कि भाई ऐसा ऐसा लेयर करो इतना एनर्जी रखो इतना ये करो ऐसा करो है ना जो वोकल अरेंजमेंट का काम भी मैं दूसरों के लिए करता हूँ तो ऐसा लाइक like, वोकल अरेंजर वो अंडरस्टैंड दिस थिंग तो उससे इम्प्रूवमेंट आएगा बिल्कुल फिर मेरे को छः महीना नहीं लगेगा ये समझने में कि गंदा गाया था अच्छा गाया था

नहीं। नहीं तो क्यों फालतू में कोई आप अपना टाइम एंड एनर्जी करें सबको कहीं ना कहीं पहुंचना है कहीं ना कहीं पहुंचना है ये ये बीमारी ने खाया हुआ है सबको एग्जैक्टली ये नहीं सोचते कि अल्टीमेट सबको, <laughs> <थीका। laughs> सबको एक ही जगह पहुंचना एक ही जगह पहुंचना अभी तब तब तक तब तक तक पहुंचने और शांति नहीं, नहीं। <laughs> शांति से नहीं बैठना <laughs> शांति से नहीं बैठ <laughs> अच्छा अगर बैठ भी जाएंगे शांति से तो करेंगे क्या बताओ कुछ पर्पज भी तो चाहिए कुछ तो होना चाहिए ना करने के लिए वो सबसे ज्यादा मुश्किल है उसके लिए भी साधना चाहिए शांति से बैठने के लिए हाँ वो वो कुछ वो ना कर, कुछ 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 ना, ना करके आप सुख चैन से बैठ पाओ ये तो बहुत वो है बहुत बड़ा संतोष है ना कि, कि संतोष करना ही अपने आप में बड़ा मेडिटेशन है कि ये तो ऐसा थोड़ी है कि हम कल को लेकर के थोड़ी परेशान है हम तो परसों को लेकर परेशान है आज और कल का तो पता है कि सर के ऊपर छत है चलने के लिए गाड़ी में तेल है है ना yeah. तो क्या कहते हैं दो वक्त का खाना भी है सब है ठीक है सही बात कल का भी पता है कि हो जाएगा परसों का नहीं पता ना <laughs> <laughs> exactly. सब सबसे जो थिंग विच कम्स इन माई माइंड जैसे आई थिंक द फर्स्ट डे वन वी स्टार्ट टॉकिंग राइट तो जो हम काम में फंस जाते हैं क्योंकि तो तो खाना खाने कुछ तो काम करते हैं हाँ. तो वहाँ मन होता नहीं है तो मेरी ये मानना है कि जब जब तक आपका एक्सप्रेशन कंप्लीट नहीं है तो फुलफिलमेंट थोड़ी लाइफ नहीं रहती तो नथिंग लाइक दैट कि अगर जो पैशन है वहीं पर आपका एक्सप्रेशन हो वही एनर्जी और वहां से एटलीस्ट आपको गुजारा चलाने जो कि पैसे भी आते हैं तो दैट इज अल्टीमेट थिंग इफ इट जाए तो मतलब इससे मजे वाली बात क्या है इससे ज्यादा एंड वही बात है कि सबके लिए ये रहता है कि और कोई ब... मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर आप बहुत बड़े आर्टिस्ट बन भी जाओ या ना भी बन जाओ उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि अगर आपको भगवान ने थोड़ा बहुत ये टैलेंट दे के भेजा है कुछ आप कुछ बना के छोड़ के तो जाओ एक सार्थ एक सार्थ है ना कल के दिन आप, आपके बच्चे बच्चों के बच्चे बोले अरे अपने अरे बहुत कूल थे अपने दादाजी यार देखो गाने देखो उनके बना के गए है ना exactly. कुछ कुछ करके गया क्रिएटिवली कुछ वैसा छोड़ के गए मतलब ऐसा जानवर में और हम में फर्क ही क्या है खाते है Friends, और वो तो super. वो, भी, वो करते भी करते हैं कल्चरली है. और ये जो चीज़ है यही तो हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं yeah. इतनी सारी चीजें दूसरों के लिए कर रहे हैं है ना yeah. नौकरी भी कर रहे हैं वो वाली नौकरी कर रहे हैं या वो वाला बिजनेस कर रहे हैं जो हमारा करने का मन नहीं है बट ऑब्वियसली सस्टेनेबिलिटी है सब कुछ है उसके लिए करना पड़ रहा है एक काम अपने लिए भी सही यार सही बात है है ना? तो और क्या कहते हैं दूसरों का इतना सपना पूरा होने के लिए वो एफर्ट मार रहे हैं, तो एक सपना अपना भी सही बिल्कुल बिल्कुल इसी के बीच ठीक है <laughs> yeah, no, thank, thank you so much. It's uh, for all these motivating words and uh, yeah. all this knowledge. So, very thankful. <laughs> Welcome. So, we'll, we'll continue. I'll, I'll put more effort into it this week. Hmm. And then, healthy. ठीक है, ठीक है, ठीक है. मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस जर्नी में इतना लंबा मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मिशन टू ए बेटर म्यूजिशियन एवरीडे बेटर म्यूजिशियन एवरीडे डॉट कॉम पर बहुत सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं लाइव कोर्सेज भी हैं इसके अलावा भी म्यूजिक से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए आप मेरे से वन ऑन वन सेशन भी बुक कर सकते हो लिंक सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस बात के साथ कि हम मिलेंगे अगले वीडियो में मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त This is Arijitsa signing of Bhad or Namaskar. Mm -hmm.